जो बिना किसी की पूजा बदले, बिना किसी का प्रांत भाषा बदले, उसको अच्छा मनुष्य बनाता है। गुणों का विकास कैसे होता है? अपने आप को पहचानो, हम कौन है। हम उस सत्य को जानने वाले ऋषियों के वंशज है। हम संपूर्ण दुनिया को अपना कुटुंब मानने वाले लोग हैं। हमको सारी दुनिया को उस सत्य को देना है अपने व्यवहार से। हम फिर से देश विदेश जाएंगे, सारी दुनिया में जाएंगे, और तब तक अगर विज्ञान कहता है कि हम चंद्रमा पर जाएंगे, मंगल पर जाएंगे, तो उनके पीछे पीछे हम वहां भी जाएंगे। और सबका खोया हुआ व्यवहार का संतुलन वापस देने वाला धर्म नहीं है, जो पर्यावरण के साथ ठीक रहना सिखाता है, जो अपने पंथ पूजा की, जात पात की, जन्म की, देश की, भाषाओं की विविधता होने के बाद भी मिलजुल कर रहना सिखाता है, जो बिना किसी की पूजा बदले, बिना किसी का प्रांत भाषा बदले, उसको अच्छा मनुष्य बनाता है, जो सबको अपना मानता है, किसी को पराया नहीं मानता, यहां तक कि उसको न मानने वाले को भी वो पराया नहीं मानता, ऐसा जो हमारा धर्म है, जिसको आजकल लोग हिंदू धर्म कहते हैं, हमको सारी दुनिया में देना है, मतांतरण नहीं करना है, ये तरीका सिखाना है। ये तरीका पूजा का तरीका नहीं है, ये जीने का तरीका। सारी दुनिया को उसको देने के लिए हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है। हम उन पूर्वजों के वंशज हैं।